एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ अपना मंडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और मैं आज पहनी हूँ साड़ी। तो मुझे ना मंडे को कुछ खास करने को मन करता है, या तो साड़ी पहनो, सूट पहनो। मतलब होता है ना कि पूजा जब करो तो इंडियन कल्चर जो है ना हमारा साड़ी सूट में ही करो, ऐसा होता है। तो मैं आज सोची चलो बहुत दिनों से साड़ी नहीं पहनी हो तो साड़ी पहन लेती हूँ। और ये साड़ी ना मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बट जो ब्लाउज पहनी हूँ ना इस साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज नहीं है। ये मैं दूसरे साड़ी का ब्लाउज पहनी हूँ और इस साड़ी का जो ब्लाउज है ना वो अभी तक मैं स्टिच नहीं करवाई हूँ। तो ये साड़ी दी हुई काफी टाइम हो गया बट ब्लाउज अभी तक पेंडिंग है इसका। चाहे पाँव में पड़ जाए छावे, चाहे छाए हो बादल काले, चल रे सवेरिया शिव की धाम। सो गाइस, बादल ऐसी छाई है ना कि क्या ही बताऊं। मतलब मुझे लगता है कहीं रास्ते में मैं भीग ना जाऊं। आप लोगों को मैं दिखाती हूं, बहुत ख़राब मौसम हो गया है। ये देखो रेडी हुई हूं और वेदर का हाल देखो, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी मैं भीग सकती हूं। बारिश होना भी स्टार्ट हो गया क्या? लो नहीं नहीं अभी नहीं हो रही है। तो अभी तो हो नहीं रही है लेकिन भीगने का चांस है, बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और पता नहीं भीगूंगी कि बचूंगी, कोई ठीक नहीं है। सो गाइस, आज मैं दो दो चूड़ी ही डालूंगी हाथ में और इतना अंधेरा हो गया है ना, बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं तो कोई ठीक नहीं, बादल चली भी जाएगी। चलिए मैं हो गई हूँ रेडी और ये वाली साड़ी पहनी हूँ। आज मैं बहुत दिन बाद ये साड़ी पहनी हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक पिन ना यहाँ और लगा लूँ तो मेरा ना सेटिंग अच्छा बैठेगा। और ये पूजा का मैं ले रही हूँ और माचिस ली हूँ कि नहीं ना, मैं डॉट फुल हूँ माचिस में नहीं ली हूँ। हाँ मैं बोली ना मैं डॉट फुल हूँ, माचिस नहीं ली हूँ, माचिस से ही रह गया। तो फिर मिल जाता है मंदिर में बट फिर भी मैं अपना सब कुछ लेके चलती हूँ। तो मैं अपना सारा कुछ ले लेती हूँ, मंदिर में मिल जाता है बट मैं पूजा का जितना कुछ भी है ना सामग्री वो सारा लेके ही जाती हूँ। तो पूजा का जितना सामग्री है ना वो सारा मिल जाता है मंदिर में बट मैं ना खुद ही लेके जाना पसंद करती हूँ। और एक मिनट आप लोग, एक मिनट, ये बस छोटा सा पर्स है, बस पैसा और घर की जो चाबी होती है ना वो मैं डालती हूँ इसमें। अजीब लगेगा इस साइड से मैं लूँगी तो, नहीं तो ऐसे ही देती थी। ठीक चलेगा, इसको रखने के लिए मैं ना वो पर्स लेती हूँ और थैला लेना था मुझे, क्योंकि ना मुझे एक दो काम भी था सुपर मार्केट में। तो थैला ले ही नहीं, देखती हूँ कैसे लूँगी। और ये होगा तो पार्लर में ही जाऊँगी, एब्रो कल मैं बनाई नहीं खुद से तो एब्रो भी बना लूँगी, क्योंकि एक बार ही गलती हो ना घर से तो मैं सोचती रहती हूँ सारा काम करके आऊँ। ऊपर चल गई यार, गर्मी भी बहुत है और बादल भी अच्छी लग रही है। कौन सी आएगी देखिए यार। ये रहा मेरा आज का फुल लुक, अच्छी लग रही है ना साड़ी। चलिए ऐसे तो दिखा पाऊंगी नहीं इसलिए इसी में दिखा दी मिरर में, देख लो मेरा फुल लुक। और यहाँ है मेरा हैंकी, हैंकी लवर, सब देख लो हैंकी भी यहाँ है। तो गाइस बादल तो लगी है, बारिश होगी नहीं, मतलब बारिश नहीं होगी
बादल तो बहुत घनी लगी हुई है। यहाँ यही होता है कि बादल लगती है बट बारिश नहीं होती है। हवा बहुत अच्छी चलने लगी, भगवान जी को ना दया आ जाता है भक्तों पे कि धूप में कैसे जाएगी मंदिर। इतनी कड़क धूप थी ना सुबह से, शायद मैं आप लोगों को दिखाई भी थी, आप लोग इससे पहले वाला ब्लॉग जो होगा ना वो देखे होंगे, मंडे मॉर्निंग वाली, तो उसमें मैं दिखाई थी। आज तेज धूप थी, मैं सोच रही थी कैसे जाऊंगी मंदिर, बट धूप चली गई, बादल लगी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि मेरा दुपट्टा साड़ी जो है ना वो फंस रहा है तेज हवा के कारण। ओहो, ये मक्खी मुझे परेशान कर रखी है यहाँ। सो गाइस, जब आप एक सॉन्ग सुन लो ना तो आपके जुबान पे बस वही घूमते रहता है। सो आज मेरे साथ हो रहा है, तो मैं एक रील बनाई थी जो आप लोगों को दिखा भी दी हूँ, ऐड भी कर दी हूँ इसमें वीडियो में, तो बस वही सॉन्ग मेरे मुंह पे चल रहा है अभी तक। मैं पहुँच गई हूँ मंदिर और आज मंदिर में बहुत ज़्यादा ही क्राउड है। मौसम अच्छा हुआ ना, सभी इसी टाइम में आ गए हैं। मौसम देखो कितना अच्छा है ना, सुहाना सा हो गया है। नमः शिवाय, शिव जगदाय, शिव और आजकल आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तो मैं जितना भी धन्यवाद बोलूँ ना कम है। और आप लोग मेरे ब्लॉग पे ऐसे ही प्यार देते रहो, तो क्या होता है ना कि जब मैं मतलब बाहर जाती हूँ ना तो कोई मेरा ब्लॉग शूट कर देने के लिए कोई है नहीं, जो भी करती हूँ ना मैं खुद ही करती हूँ, तो इसीलिए ये मंदिर आती हूँ। और मैं पहले ना ये सब चीज़ शूट नहीं करती थी, ब्लॉगिंग नहीं करती थी इस सब टाइम में, जब भी मैं मंदिर जाती थी पूजा करती थी। बट देखती हूँ कि हर एक ब्लॉगर मतलब जो एक कंटेंट ढूंढते रहते हैं, तो हर एक ब्लॉगर जहाँ कहीं भी जाते हैं ना मतलब अपना रिकॉर्डिंग करना नहीं भूलती है, बट मैं नहीं करती थी। मैं सोची चलो अब जो है अपना जो डेली लाइफ है घर के अंदर ही दिखाती थी, ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं दिखाती थी। बट मैं देखती हूँ कि जो बाहर का भी मतलब पूरा सारे दिन का कैप्चर करती ना, उन लोगों को बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, बहुत सारे ब्लॉग होते हैं। तो मैं सोची मैं जब इतना कुछ करती ही हूँ तो मैं भी क्यों ना सारा कुछ का ब्लॉग बनाऊँ। और सही में गाइस, अगर आप
आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ रिकॉर्ड करोगे ना तो ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैं भी अब वही सोचूँ सॉरी मैं भी अब वही सोची हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगी ना थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड आप लोग के लिए ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी देखना ना बहुत पसंद करते हो मेरा छोटा छोटा ब्लॉग, मतलब छोटा छोटा चीज़ सब मैं ऐड करती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, तो आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हो आजकल। तो चलिए, कोई तो रिकॉर्ड कर देने वाला था नहीं, जो जैसे होता है मैं खुद ही करती हूँ, मतलब सारा कुछ मैं ना अपना मतलब ब्लॉगिंग का खुद ही हैंडल करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं वहाँ पूजा करने के बाद आ गई हूँ मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। और हाँ, अब मैं कल बोली थी कि मेरे ना बहुत सारे न्यू फैमिली मेंबर ऐड हो रहे हैं मेरे वाईटी फैमिली में, तो कमेंट्स करने के लिए, तो तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद कि जो जो मुझे मतलब बोली ये बात, तो जो जो भी न्यू आए हैं ना वो सारे मेरे उस इससे पहले वाले ब्लॉग पर कमेंट्स करे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी फिर ना जानने को होता है कि हाँ जी ये सब मेरे फैमिली मेम्बर न्यू आए हैं, मैं पहचानती हूँ लोगों को भी, तो इसलिए आप लोग ना कंटिन्यू कमेंट्स किया करिए, तब ना हमारी जान पहचान होगी, बातें होगी। तो क्या है कि कमेंट्स के थ्रू ही हमारे बातें होती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है, मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो गाइस बहुत अच्छी सी पूजा हो गई आज, और अभी आई है दीदी। तो सिक्योरिटी गार्ड अंकल को बोल देने के लिए, तो वही निकाल के देती है। कितने बजे घर जाती हैं? तो गाइज, जहाँ से मैं फूल लेती हूँ ना, वो फूल वाली आंटी आज थी नहीं, तो हम सभी यहाँ खड़े थे और कोई फूल देने को था नहीं, तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल है ना, वो हम सभी को फूल दे दिया, तो और पैसा नहीं दिया। तो हम लोग बोलते मतलब बहुत सारे यहाँ हम खड़े थे, तो हम लोग बोले कि बिना पैसा का हम फूल नहीं ले सकते हैं, तो वैसा कब दें? तो वो बताए कि आंटी नहीं है अभी, आंटी गई है घर, तो वो आएगी तो उसको दे देने के लिए। तो आंटी शायद अंकल को बोल के जाती होगी, सिक्योरिटी गार्ड अंकल को, तो अंकल हम लोगों को दे दिए थे, तो बस वही पैसा देने आई हूँ। कि तो आंटी बोल रही थी कि मैं अगर नहीं भी रहूँ ना, तो आप गार्ड अंकल को बोल दो, गार्ड अंकल पैसा दे देगा। और इस आंटी को ना जितना मतलब फूल दी थी ना, वो पैसे का हिसाब ही नहीं हो रहा था बेचारी से, तो मैं कर दी और फिर उसको पेमेंट कर दी। और वो जो अंकल आ रहे हैं ना, वही हम लोग को फूल दिए हैं, तो वो यहाँ मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मेरी सोसाइटी में है नहीं मंदिर, तो मैं यहीं आ जाती हूँ। और ये मंदिर ना अभी रिसेंट में बना है, बहुत ही खूबसूरत सी मंदिर बनवाए हैं ये लोग। तो हर एक सोसाइटी में मंदिर बनने वाला है, मेरे मंदिर मतलब मेरे सोसाइटी में भी सब कुछ हो गया है, बट अभी तक बना नहीं है, इसलिए मुझे ना काफ़ी दूर पैदल चल के आना होता है। और पता है मेरे सोसाइटी के गेट से ना पहले ई रिक्शा यहाँ तक ईजिली मिल जाता था, बट अब ना नहीं मिलता है, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो हम लोग निकल अंकल जी, आप भी रख लो ना, हेल्प कर दिए ना अंकल जी, दे दिए हैं, रख देते हैं सामान में, तो कोई चाहिएगा जिसको हाँ, वो निकाल कर। हाँ जरूरी हो जाता है ना, महादेव का कैसी पूजा क्यों बिना उसका। और आज वो फूल जो है ना, वो नहीं हुआ ना मुझे मंदार। हाँ हाँ मंदार के पन्नी में। अच्छा, अंकल जी को पता नहीं था, बस वही दे दिया ना। कोई नहीं, किसे ऐसी पन्नी है ना। हाँ हाँ, उसमें रख कर गई मैं, तो मैं ले लूँगी खुद, ये पैसा दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं आती हूँ इसी चैनल पर, लेट हो जाता है मुझे। बोल के आएगा तब दे देना। हाँ हाँ, तो पता है क्या जाएगा कहाँ? हाँ हाँ, अरे भगवान कैसे कैसे दे जाऊँगी, ठीक है दीदी अंकल, ठीक है। मैं जहाँ जाती हूँ ना, मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब मैं सबसे बात करती हूँ ना, तो सब अच्छे से। गर्मी लग रही है, मुझे काम है थोड़ा सा यहाँ।